हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइसी किचन टेल्स। मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर के, चटपटी भिंडी की। आज हम सीखेंगे कि घर में हलवाई स्टाइल भिंडी कैसे बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, पता है लेकिन आप करते नहीं हैं। कर दीजिए जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक, नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, नहीं तो सबकी भिंडी बन जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि स्पाइसी किचन टेल्स पे भिंडी बनी थी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है ये भिंडी। यहाँ पे मैंने आधा किलो भिंडी ली है जिसको वॉश करके मैंने कट कर लिया है। 2 इंच के पीसेस में कट किया है मैंने इसको, और इस तरह से कट मार करके हम चेक कर लेंगे भिंडी को अंदर से भी। अब हम मसाला तैयार करेंगे। मसाले के लिए मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं, 2 लहसुन लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 1 चम्मच नमक लिया है, आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर लिया है। इसका हम एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे और इसको हम साइड में रख देंगे। अब एक पैन में हम तेल गरम करेंगे। ऑयल भी आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम ले सकते हैं, जैसा आपको पसंद है। और इसमें डालेंगे हम मेथी सीड्स। इसको क्रैकल होने देंगे और क्रैकल होने के बाद हम इसमें अपनी भिंडी डाल देंगे। ये क्रैकल हो चुकी है, अब मैंने इसमें अपनी भिंडी डाल दी है और भिंडी को मैं 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे फ्राई करूँगी। फ्राई करते टाइम आपको भिंडी को चलाते रहना है। थोड़ा सा फ्राई हो जाने के बाद हम इसमें अपना मसाला ऐड करेंगे। अब मसाले और भिंडी दोनों को हमें पकाना है, मसाला जब तक कि तेल ना छोड़ दे और भिंडी जब तक कि गल ना जाए। थोड़ा सा चलाने के बाद हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा पानी। अब गैस की फ्लेम को मीडियम करके इसको ढक के थोड़ी देर छोड़ देंगे पकने के लिए। 2 से 3 मिनट पकने के बाद हम चेक कर लेंगे भिंडी को। तो ये देखिए भिंडी हमारी पक चुकी है, साइड्स में हमें तेल दिख रहा है, मसाला भी बहुत ही अच्छे से भुन चुका है और स्मेल भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और थोड़ी देर के लिए भिंडी को इसी तरह से छोड़ देंगे नॉर्मल होने के लिए, क्योंकि गरम गरम भिंडी में हम अगर चम्मच लगाएंगे तो वो टूट करके पूरा मिक्स हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ा सा उसको नॉर्मल होने देंगे, उसके बाद हम अपना डिश में सर्व करेंगे। तो ये देखिए मैंने डिश में निकाल लिया है, सर्व करने के लिए ये रेडी है। हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से, और आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, आप इसको दाल चावल के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो जल्दी जल्दी जाइए और ये भिंडी को बनाइए और मुझे कमेंट में आकर के बताइए कि ये आपकी भिंडी कैसी बनी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आपसे जल्दी ही मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।